डेली हिली एंड इन टुडेस वीडियो आई वांटेड अनदर रियलिटी चेक कि जब घर साफ करना होता है तब क्या क्या होता है पीछे एंड हाउ आई ट्राई टू क्लीन माय होम एफिशिएंटली. आई शो यू व्हाट ऑल आई हैव टू क्लीन राइट नाउ. वी हैव ये सारा सामान एंड ये पूरा बैग भर के सामान. सो गराज सेल पार्ट 1 हो चुका है. उसमें जो भी मेरी ऐसी चीजें थी जो बहुत ही कम यूज थी एंड आई न्यू दैट दे आर ऑलमोस्ट इन अ न्यू कंडीशन वो आई रीसोल्ड. दैट्स व्हाट यू कैन डू एज वेल. सो यू कैन हैव अ लिटिल गराज सेल इन योर ओन गराज या अपने घर पे कर सकते हो एंड बिल्डिंग के सारे फ्रेंड्स को बुला सकते हो एंड यू कैन सेल इट फॉर एज बस 50 रुपीज. मोटिवेशन बन जाता है कि अगर मैं ये नहीं ही पहन रही तो इसको बेच के कुछ नया लेती हूँ. वो एक मोटिवेशन बनता है. सो फर्स्ट थिंग यू कैन डू दैट. इसमें काफी इमोशनल चीजें भी है. सो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड एक्सप्लेन इट टू यू हाउ आई डील विद इमोशनल थिंग्स. सो लेट्स बिगिन. ऑल्सो ट्राई टू डू इट विद अ पार्टनर और अ फ्रेंड बिकॉज आई ऑलवेज नीड माई मॉम विद मी टू मेक बेटर एंड क्विकर डिसीजंस. अगर वो नहीं होते तो मुझे 4 घंटे लगते. अगर वो होते तो मुझे 40 मिनट लगते. सो इट्स पहली चीज है ये बैग. इसके अंदर ओ माई गॉड इतने सारे कपड़े. तीन पाइल्स बनते हैं. एक पाइल वो होता है जो यूजेबल कंडीशन में है ही नहीं और पोछा बनता है. बट लकीली ये पूरे कलेक्शन में से ऐसा कुछ भी नहीं निकला था. एक ऐसी पाइल बनती है कि वुड आई पे मनी टू बाय दिस फ्रॉम द मॉल. अगर ये सेम चीज मैं कुलाबा में देखती या मॉल में देखती तो क्या मैं इसके लिए पैसे देती. एंड इफ द आंसर इज येस देन आई कीप द क्लोथ्स बिकॉज इट हैपेंस. कभी कभी यू हेट अ पीस ऑफ क्लोथिंग बट देन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टार्ट लविंग इट अगेन. अराउंड 15 क्लोथ्स में से 3 कपड़े ऐसे निकले जो मैं अभी भी रखूंगी एंड अभी भी पहनूंगी. एंड देन दिस वन पाइल इज डोनेशन. ना भी डोनेशन का क्या चीज होता है. आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस वेयर द क्लोथ्स डिड नॉट रीच द पीपल होम दे वर सपोज टू रीच एंड मैनेजमेंट ही अंदर अंदर रीसेल कर देता है. ऐसे मेरे साथ तो बहुत हुआ. हाउ आई हैव बीन लकी इज कि एवरी टाइम जो भी मेरे घर की मेड होते हैं उनके बच्चे होते ही है. आई ऑलवेज एंड अप गिविंग इट टू माई मेन्स बिकॉज इफ देयर चिल्ड्रन आर यूजिंग इट इट्स द बेस्ट. लाइक फर्स्ट हैंड यू गिविंग इट टू समवन हू यूजिंग इट. एंड अगर वो उनके बच्चे यूज नहीं करे ना तो वो अपने आस पास के घर में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. हु हैव अदर किड्स हु माइट वांट टू वेयर दिस. सो दिस इज व्हाट आई लाइक टू डू एंड ऑल ऑफ दीस क्लोथ्स विल गो टू माय वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी प्रिटी मेड एंड हर लवली चिल्ड्रन. सो दिस पैक ऑफ रिबन्स दादी और मॉम मेरे लिए बहुत अलग अलग जगह से लाए थे एंड दिस वन बैग वॉज वेरी वेरी प्रेशियस. तो ये मेरा क्विलिंग किट है. प्रॉबेबली मेरा ओरिगामी किट था एंड दिस इज माई सोइंग किट. लाइक वी वुड मेक ऑल दीज थिंग्स. दिस वॉज डन बाय मी एंड इसमें सारे यार्न बोल के. सो दिस इज वेयर इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स कम इन टू पिक्चर. ये मुझे याद है हम मेरे गाँव से लाए थे व्हेन आई वाज इन 4th or 5th standard. मेरी दादी लाई थी एंड दादी इज नॉट हियर अराउंड फिजिकली एनी मोर. सो वेन ऐसी चीजें आती है आई आस्क मायसेल्फ वन क्वेश्चन दैट डू आई स्टिल यूज दिस. एंड व्हेन आई एम नॉट यूजिंग इट मैं खुले मन से इसको अभी दे देती हूँ. ये मैं पहले नहीं कर पाती थी. दिस हैज कम विद एज एंड प्रोबेबली विद मेच्योरिटी. तो अगर हम यूज नहीं करते ना तो घर में उसकी स्पेस ब्लॉक करके कोई पॉइंट नहीं है बिकॉज द पीपल हु आर क्लोज टू अस विल स्टे क्लोज टू अस रिगार्डलेस ऑफ हैविंग दीज थिंग्स ऑर नॉट. सो सिंस आई एम not using any of these kits now, I will be very glad if my helper's children can use it and if their friends can use it. So this is what I'll be giving to them as well. My mom has done all of this. Bahut neat work hai unka. Look at this. This is so cute. And look at this sparrow. This is slightly incomplete. Iska flower baki hai. But this is so cute. Aisi cheeze main rakhti hu because this my mom must have done when she was probably my age. तो और मुझसे भी यंग शायद से. सो इट इज काइंड ऑफ ऑन माई बकेट लिस्ट की एक दिन इसको मैं फिनिश करूंगी. सो दिस आई डोंट गिव अवे जो इतना सेंटिमेंटल रहता है जिसका मैं कुछ एक्चुअली यूज कर सकती हूँ फ्यूचर में. सो दिस आई कीप. सो दिस इज माई हैरी पॉटर कलेक्शन का बॉक्स एंड अभी सारे बुक्स मैंने डिस्प्ले में रखे स्टडी रूम में. सो नाउ आई थिंक आई हैव टू थ्रो द बॉक्स अवे. सो या बहुत मन है रखने का पॉटर हेड बट अभी ऐसी चीजें नहीं रख सकते घर में.
इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे बॉक्सेस में हमेशा रखती हूँ, जैसे मेरे कैमरा का बॉक्स हो गया, हार्ड ड्राइव का बॉक्स, क्योंकि जब भी कुछ बिगड़ता है तो बॉक्स होता है तो हेल्प पड़ता है टू गेट ऑल द वारंटी कार्ड्स, एंड अगर रीसेल करना होता है तो बॉक्स की वजह से हमेशा थोड़ा प्राइस ज्यादा आता ही है, सो आई ऑलवेज कीप द बॉक्सेस. सो दिस इज माई DIY का सामान. So I had made this floral etch in the old home to have like a good room decor. ये डब्बा भी मैंने सेंटिमेंट्स की वजह से रख के रखा था कि ये मॉम यूज़ करती थी एंड आई कैन मेक समथिंग आउट ऑफ दिस इन द फ्यूचर, बट फाइनली आई एम लेटिंग दिस गो. आई एम ओनली कीपिंग टू थिंग्स आउट ऑफ द होल बॉक्स, क्योंकि ये अब यहाँ पे मिलते नहीं है, वो स्टार्स एंड दीज फ्लावर्स, एंड ऑल ऑफ दिस विल बी यूज्ड बाय समबडी. देन आई हैव दिस बॉक्स फुल ऑफ स्टिकर्स. Ooh, and iron-on patches. These patches I'm definitely keeping. But stickers अब मैं ज़्यादा use नहीं करती, मैं सिर्फ मेरे laptop पे stickers लगाती हूँ, and वो भी एकदम choosy वाले. So I don't end up using these quirky puffy stickers, and then these alphabetical stickers. And ये तो इतने पुराने हैं. Then there was this one dress वाला pack. This dress वाला pack used to be my favorite, क्योंकि मैं फिर इसके हाथ पैर draw करती थी और face draw करती थी ये dress का stick करके. So of course I don't do all of that anymore now. So ye Winx Club ke stickers. Who used to watch Winx Club? Let me know. But I have these very pretty handmade 3D wale stickers. I really feel like keeping them, kyunki abhi mom ka birthday bhi aa raha hai na, to main ye rakhti hu. Naughty stickers. Yeah, that's it. That's all that we're gonna keep. And now we shut this box and send it to a better home. So lastly in this bag I've just got a lot of random stuff, like shuttlecock ka pura pack hai, and then I've got my hard drive and instant camera ke boxes jo rakhne hi hai, then fairy lights jo rakhne hai, and yeah, just a couple frames. To wo bag dekh ke hi mujhe samajh gaya ki it's just the same process, and this is how I clean my home and try to keep my emotions only in my memory and not in a physical form, kyunki hum aise hi ghar bharte rahenge and then we won't get to live in a calm and peaceful home, kyunki aas paas jitni safai rahegi utna hi saaf hamara dimag rehta hai. If this video helped you in any way, then that makes me very very happy, and I'll see you in tomorrow's video. Until then, goodbye.